आप सभी लोगों का हमारे चैनल तेजू वर्ग ब्लॉग में स्वागत है। और अभी हम आ चुके हैं मिरौनी गांव में, जहां पे एक गार्डन है। आप देख सकते हैं यहां पे, इसके अंदर जाने के लिए हमको टिकट कटवाना पड़ा। ये देखिए, हम लोग तीन लोगों का टिकट एक साथ काटा है। इस तरह से यहां पे मिरौनी पर्यावरण परिसर का एक पोस्टर लगा हुआ है। और यहाँ पर इस तरह से इसका गेट है। और यहाँ पर भैया खड़े हैं सामने में, और ये हमारा टिकट है। और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे टिकट कटाया जाता है, टिकट काउंटर यहाँ पे है। यहाँ पे ही हमने अपना टिकट कटवाया है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं हम अभी। ये देखिए, हमारे लिए गेट जो है खुल दिया गया है। इस साइड में गेट है। और यहाँ का टिकट आप लोगों ने तो पहले ही देख लिया है, एक लोगों का 10 रुपये टिकट लग रहा है। और यहाँ पर कुछ इस तरह लोहे का लगाया गया है। और वो वाला जो दिख रहा है घर, और यहाँ के गार्डन के रखवाली करने वालों के लिए शायद बनाया गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और इस तरह से यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं, भैया लोग पहले पहुँच गए हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ और आप लोगों को पूरा व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पर चार कोण कटा हुआ है, चार रास्ते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये पहला रास्ता, और ये वाला जो हम आए हैं डबल रास्ता बनाया गया है इसमें, और बीच में पौधे लगाए गए हैं। और इसी तरह से हमारे पीछे में एक रास्ता और बनाया गया है, जहाँ पे आगे चलकर कुछ बनाया गया है। अभी हम आप लोगों को उस तरफ का नज़ारा दिखाएंगे, उससे पहले इस तरफ भी थोड़ा देख लीजिए। भैया लोग जो है उस तरफ गए हैं, और उधर कुछ खेल कूद के लिए छोटा मोटा सामान बनाया गया है। तो पहले हम इस तरफ चलते हैं और आप लोगों को इस तरफ का नज़ारा जो पहले दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये देखिए, गार्डन में लाइट आदि कोई वस्तु को ना छुएं, ऐसा कुछ यहाँ पे पोस्टर बहुत जगह लगा हुआ है। और इस साइड भी उसी तरह का पोस्टर लगा हुआ है। और ये इस तरफ भी थोड़ा आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ का जो सीन है कुछ इस तरह से बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा धूप है, और यहाँ पर जो ऊपर में छत लगाया गया है, यहाँ पे थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रही है। और इसके किनारे किनारे ही इस तरह के पौधे लगा दिए गए हैं, देख जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी के आगे ये देखिए, इस साइड में बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और वहाँ पे भैया लोग कुछ बैठे हुए हैं। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, कुछ पानी इसमें भरा गया है। और मेरे पीछे भी कुछ है, लेकिन उसको भैया के साथ जाएंगे। उस साइड में भैया लोग बना रहे हैं अपना व्लॉग। एक साथ जाने से थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। जवान पर चढ़ रहा हूँ, हमारे देश का बहुत, हमारे देश की 20 जवान अभी देखा था झूल खासना पीसा नहीं रहा है। ये दोस्तों, अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, और यहाँ पे भी झूलने के लिए छोटा मोटा सामान इस तरह से बनाया गया है। और ये तो पूरा पूरी तरह से डैमेज हो गया, ये वाला मेरा मुंह कान करिया हो गया है। इस जगह को दिखाना भी बाकी है, तो हम अभी इस तरफ जा रहे हैं। भैया लोग पहले पहुँच चुके हैं, तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। मेरे पीछे जो है एक भाई आ रहे हैं, देख लेंगे, जिसको आपने डोंगरथ वाले जो ब्लॉग में देखा है। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं और आप लोगों को आगे का ब्लॉग दिखाते हैं। ये देखिए, अभी हम उस तरफ जाने वाले हैं। अभी हम उस जगह से आगे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ लोहे का इस तरह से बनाया गया है, और हमारे इस साइड में देख सकते हैं शायद ये जगह बैठने के लिए बनाया गया है, सीढ़ी टाइप का है। आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से यहाँ का और भी सैर कराना बाकी है। अभी हम इससे भी और आगे जा रहे हैं। ये देखिए, जगह जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, इस साइड में आगे और जाना है हमको। और बहुत ही बड़ा जगह है, बनाते बनाते बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जो मेरे पीछे का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। और इस साइड में महानदी का डैम साथ में जुड़ा हुआ है। और इस साइड में पत्थर का कुछ इस तरह के जो स्टैचू है बना दिए गए हैं। से यहाँ पे फूल खिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। हवाई मंदिर निकला थे,
चल जी, आओ जी, आओ जी। ये देखिए दोस्तों, अभी हम बाहर आ चुके हैं। अभी अंकल जी अभी गेट खोले हैं और यहाँ पे हमारा बाइक रखा हुआ है। आप लोगों को पहले ही हमने इस वीडियो में दिखाया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।